नवंबर में आपको 12 दिन बैंक बंद मिलेंगे। इन 12 दिनों में रविवार, दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार भी शामिल है। और इन दिनों में अगर आपका कोई जरूरी काम पेंडिंग रह जाए तो पहले ही कर लीजिए। आरबीआई की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवंबर में बैंक एक नहीं, दो नहीं बल्कि 12 दिन बंद रहेंगे। इन 8 छुट्टियों में अलग अलग राज्यों में होने वाली छुट्टियां भी शामिल हैं। इस दौरान खाता धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि नवंबर में कौन से दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। बात अगर 8 नवंबर की करें तो 8 नवंबर को शिलोंग में बांग्ला फेस्टिवल की वजह से बैंक बंद रहने वाला है। 9 नवंबर को सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे क्योंकि इस दिन महीने का दूसरा शनिवार है। 12 नवंबर को गुरु नानक जयंती की वजह से बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। 15 नवंबर को कनकदास जयंती और ईद उल मिलाद उल नबी के मौके पर बंगलुरु, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। 19 नवंबर को गैंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। 23 नवंबर को चौथा शनिवार होने की वजह से सभी राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बैंक बंद होने की तारीखों का पता चल गया होगा। अब अगर आपका कोई काम पेंडिंग है तो इन तारीखों से पहले उसे पूरा कर लीजिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।